तो अफगानिस्तान तक आज तक काबुल से कंधार, जलालाबाद से मजार शरीफ तक आज तक के सहयोगी लगातार खबरें हमें भेज रहे हैं और इस रिपोर्ट में हम काबुल से हमारे सहयोगी नवीद ये बताएंगे कि राजधानी किस कदर डर के साए में है, लोग किस कदर डर के साए में जी रहे हैं। साथ ही बाकी सहयोगी की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान इस समय वक्त का पहिया घूमते देख रहा है। फिर से सड़कों पर तालिबानी आतंकी दनदनाते घूम रहे हैं और सरकार, राष्ट्रपति और सिस्टम सरेंडर कर चुका है। पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान में बदलते हालात को देख रही है और आज तक के जरिए पूरा देश जान रहा है कि वहाँ के हालात पल पल कैसे बिगड़ रहे हैं। ये क्या तालिबान के लोग हैं सिद्दीक? जी, ये सब तालिबान के लोग हैं। सारे शहर में अभी दिन भर चल रहा है। काबुल की खबरें हमारे सहयोगी नावेद लगातार आज तक के लिए भेज रहे हैं। वो काबुल की सड़कों पर जब निकले तो माहौल में खौफ था और तालिबानी डर हर कहीं महसूस किया जा सकता था। I'm in the Mazang area. This is the commander of Kabul. You see in the picture. And now the Taliban members walking the Mazang area. It's the commander of Kabul. So the all of police of the Kabul controlled by this commander. See the Taliban and the Mazang. You see the picture of Commander Kabul. This, look at the picture. There the Taliban. Kabul शहर इस वक्त दहक रहा है। एयरपोर्ट पर गोलियां चल रही हैं और लाशें गिर रही हैं। काबुल का हाल हमारे सहयोगी नावेद ने जो बताया वो डराने वाला था। This is the Afghanistan area. You see in a video the Taliban members and some journalists come here for the making the report of the TV and all of here the Taliban members. This car and some other government car now captured by the Taliban soldiers. This is Taliban and group of Emirat Islami. This place is the Afghanan near to presidential place. काबुल से पहले तालिबान ने कंधार को जीता और अपने खौफ के निशान वहां छोड़ते गए। हमारे सहयोगी सदीकुल्ला के कैमरे में कैद सच आपने आज तक के जरिए देखा। ये जो बच्चा दिख रहा है ये कंधार का एक बच्चा है। तालिबान की हुकूमत आने से ये कुछ खुश लग रहा है क्योंकि ये अभी तक बच्चा है, समझ नहीं आ रहा है इसको कि कौन सी हुकूमत अच्छा था और कौन सा बुरा। इससे पहले हमारे श्रीनगर संवाददाता अशरफ वानी भी काबुल के हालात सबसे पहले सबसे तेज आपको दिखा चुके हैं, जहां साफ साफ महसूस किया जा सकता था कि तालिबान के पंजे से अब अफगानियों को कोई नहीं बचा सकता। मैं खड़ा हूं इस वक्त अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। अफगानिस्तान जंग से जूझ रहा है के मैदान और जंग के इस मैदान में आज तक उस हर जगह और हर शहर में पहुंचा जहां पर तालिबान और अफगान फौज आमने सामने हैं। काबुल से पत्रकार कनिका भी लगातार बता रही हैं कि वहां के हालात क्या हैं और जिंदगी इस मुल्क में किस कदर दुश्वार होती जा रही है, किस कदर जीना मुश्किल है और अफगानिस्तान कैसे 20 साल पहले के दौर में जा रहा है। सिर्फ सड़क देख पा रही हूँ तो थोड़ी बहुत मूवमेंट व्हीकल्स की है, गाड़ियाँ जो हैं आ जा रही, पर एक जो यहाँ का माहौल है वो काफी लोग घबरा गए हैं कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। आज तक ब्यूरो।